हैं? हम भी ठीक है, अच्छे हैं। और आप सबको सानवी विद मम्मा के और एक वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज कोई व्लॉग नहीं है, आज इंट्रो दे देती हूँ मेरा। मतलब दो चार वीडियो तो चला गया, बहुत सारा वीडियो गया है, लेकिन मेरा इंट्रो नहीं दिया था मैंने, तो थोड़ा आज इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मेरा। बहुत सारे नए फ्रेंड जुड़ रहे वीडियो के, मतलब हम मेरे चैनल में, तो उनको नहीं पता होगा मैं कौन हूँ, तो थोड़ा इंट्रो दे देती हूँ मेरा। तो मेरा नाम है पोम्पा रॉय मंडल, और बंगाली नाम है, हिंदी वाले को थोड़ा और लगेगा। तो रॉय मेरा मम्मी का, मतलब पापा का सरनेम है मायके का, और मंडल मेरे हस्बैंड का सरनेम है, जो कि मैं दोनों ही कैरी करती हूँ। और नेम है रिंकी, आप सब रिंकी बोल के बुला सकते हो, क्योंकि सब रिंकी बोलते हैं, बाहर भी सब रिंकी बोलते हैं। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ, और मेरा अभी 10 मंथ ओल्ड एक बेबी है, और मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं। तो मेरा शादी को अभी 11 साल हो गया है, 12 चल रहा है, तो 11 साल कंप्लीट हो गया है। तो बेबी तो लेती हुआ है, क्यों हुआ है वो बाद में बताऊंगी, और एक वीडियो में बताऊंगी क्यों हुआ है, कैसे क्या, तो बाद में बताऊंगी। और मैं चैनल हिंदी में स्टार्ट किया, अभी पहले तो बंगाली में किया था, दो चार वीडियो बंगाली में हैं, लेकिन जो नॉन बंगाली फ्रेंड हैं उनको नहीं पता चल रहा है क्या वीडियो बोल रही हूँ मैं, क्या भाषा समझ नहीं आ रहा है, तो इसलिए सोचा कि चलो हिंदी में स्टार्ट करते हैं, कि ताकि सबको समझ आ जाए, क्योंकि बंगाली को हिंदी समझ आ जाएगा, लेकिन जो नॉन बंगाली है उनको बंगाली समझ नहीं आएगा, इसलिए बंगाली में मतलब रहने दिया। बाद में अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो फिर बाद में बंगाली चैनल भी खोल दूंगी, और एक बंगाली में भी वीडियो बना दूंगी। वो बात अलग है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मेरे फैमिली में जुड़ रहे हैं, तो फैमिली थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसके बाद फिर देखूंगी कभी। और मैं इतने दिन तक, हस्बैंड आर्मी में है इसलिए मैं इतने दिन तक क्वार्टर में रहती थी, मतलब शादी के 2 साल बाद से मैं क्वार्टर में घूम रही थी। तो लेकिन अभी मतलब बेबी होने के बाद पोस्टिंग भी आ गया, हाईली की पोस्टिंग आ गया, तो फिर हस्बैंड को जाना पड़ा उधर, तो मैं घर में आ गई अभी। तो अभी क्वार्टर में नहीं हूँ, अभी मेरे घर में हूँ, तो मायके ससुराल बस यही करती हूँ। मायके ससुराल ज़्यादा दूर नहीं है, तो और एक बता दूँ, मेरे ससुराल भी आर्मी है, मतलब ससुराल में भी सब आर्मी है, हस्बैंड भी है, भी एक साल में रह चुके हैं, देवर जी जो है वो भी मेरे आर्मी में है, लेकिन मेरे मायके साइड में कोई, मतलब डिफेंस लाइन में कोई नहीं है, लेकिन मेरी शादी हो गया अभी आर्मी के साथ, तो अभी आर्मी फैमिली बन गया, तो ये है। और अभी बेबी छोटा है इसलिए सोचा कि यूट्यूब थोड़ा स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिन का इच्छा था। तो जितने भी फ्रेंड, मतलब ऑल इंडिया के जितने भी फ्रेंड मिले थे क्वार्टर्स में, अभी तो पूरा पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए, कोई दूसरे क्वार्टर में है, कोई घर चले गए, तो उनके साथ थोड़ा, मतलब इसी के साथ यूट्यूब के जरिए थोड़ा मिल सकूँगी, वो भी देख सकेंगे, तो इसलिए सोचा कि थोड़ा यूट्यूब कर लेते हैं, तो इसलिए स्टार्ट किया। आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए, और इस चैनल में आपको देखने को क्या मिलेगा, बस यही सब मिलेगा, मेरा डेली ब्लॉग आर्मी फैमिली का है, क्या चलता है ये लाइफस्टाइल थोड़ा दिखने को मिलेगा, और मेरी बेबी अभी बड़ी हो रही है तो कैसे कैसे ग्रो कर रही है वो देखने को मिल जाएगा आप सबको भी और मुझे भी, क्योंकि बाद में देख सकूँगी कि कितनी सी छोटी बच्ची थी, अभी कितनी बड़ी हो गई है, तो वीडियोज़ के ज़रिए देख पाऊँगी। तो और मैं बंगाली हूँ, तो बंगाली डिशेस जो होता है, खाना रेसिपी ये सब मिल जाएगा, और बाहर बाहर घूम के आई हूँ, तो इंडिया के लोगों के साथ मिल के आई हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ, तो उनका भी थोड़ा थोड़ा रेसिपी आ गया है मुझे बनाना, ऑथेंटिक तो नहीं है पूरा, मतलब उनके जैसे तो नहीं होगा, लेकिन जितना भी है थोड़ा बहुत तो सीखा है, तो वो भी अपने आपको देखने को मिल जाएगा इधर। और घूमना मुझे बहुत पसंद है, तो बहुत जगह घूमी हूँ अभी तक, लेकिन बहुत जगह मिस भी हो गया है, कहीं नहीं हूँ, तो उधर उधर जाना है अभी, तो भी थोड़ा ट्रैवल वाला व्लॉग भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये है कि आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ताकि ये जो फैमिली है, यूट्यूब वाला फैमिली है, ये भी थोड़ा ग्रो कर जाए। और अभी तो कुछ अगर बाकी रह जाए बाद में, और एक दिन कुछ मैं कोई वीडियो में फिर बता दूंगी आपको, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो
प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए क्या मतलब अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या मुझे और करना चाहिए, और किस बारे में आप वीडियो देखना चाहते हो, ये कमेंट करके बताइए। और सब्सक्राइब कर दीजिए, एक ही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ये फ्री है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बस आज के लिए इतना ही है, फिर आगे और एक ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तो थैंक यू।